हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्लैंड ऑफ लिनियर मूवी में लतिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आपको मिले नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। उनका रियल नेम है फ्रीडा सेलिना पिंटो। उनका निकनेम है प्रो। अक्टूबर 1984 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है मुंबई, इंडिया। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 56 केजी। उनका फिगर मेजरमेंट है 33-25-34। उनका जोराइक साइन है लीब्रा। साल 2021 में उनका रियल एज है 37। उनके हॉबीज है मूवी देखना, गाना सुनना, टेनिस खेलना और बुक्स पढ़ना। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। उन्होंने मुंबई कार्मेल की सेंट जोसेफ स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मेजर डिग्री और साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में माइनर डिग्री हासिल की है। उनकी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक मॉडल और एक्ट्रेस है। फ्रीडा ने मुंबई की बैरी जोन्स एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग में ट्रेनिंग ली थी। आपको बता दें कि वो सालसा और इंडियन क्लासिकल में ट्रेन डांसर है। उन्होंने कई फेमस ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है, जैसे कि एयरटेल, ईबे, कोडा, वीजा, वोडाफोन इंडिया और भी कई सारे। वो यूएसए आई एम ए गर्ल की ब्रांड एम्बेसडर है। साल 2015 में वो ऑडिमर्स पिग्विट की ब्रांड एम्बेसडर हुई थी। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। साल 2006 में वो फुल सर्किल इंटरनेशनल ट्रेवल शो में होस्ट के तौर पर नजर आए थे। साल 2007 में वो स्लैंड ऑफ मिलेनियर मूवी के लिए ऑडिशन दिया था और इसके बाद वो सिलेक्ट भी हो गई थी। इसके बाद वो नजर आई थी वूडी एलन की कॉमेडी ड्रामा यू विल मीट अ टॉल डार्क स्ट्रेंजर। साल 2010 में वो मिराल फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद वो कई फिल्म्स में नजर आई थी, जैसे कि राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप, तृष्णा, डे ऑफ द फैल्कॉन और इमॉर्टल्स। साल 2013 में फ्रीडा ब्रूनो मार्स की म्यूजिक वीडियो गोरिल्ला में नजर आई थी। ठीक उसी साल में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म गर्ल राइजिंग में काम किया था। इसके बाद वो नजर आई थी डिजर्ट डांसर में। साल 2018 में लव सोनिया इंडियन ड्रामा में उन्हें देखने को मिला था। वो मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल में नजर आई थी। साल 2019 में उन्होंने ओनली फिल्म में काम किया था। साल 2020 में फ्रीडा नजर आई थी लव वेडिंग रिपीट और हिलबिली एलेगी। उनकी अपकमिंग फिल्म से टाइम ट्रैक और मिस्टर मैलकॉम्स लिस्ट।
उनको कई सारे फेमस मैगजीन्स के कवर्स में देखने को मिला है, जैसे कि एली इंडिया और वैनिटी फेयर। चलिए देख लेते हैं शाहिद को अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए उन्हें पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट की कैटेगरी में मोशन पिक्चर एज स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से अवार्ड दिया गया था। साल 2018 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न से भी उन्हें अवार्ड मिला है। साल 2009 में पीपल मैगजीन की मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल लिस्ट और वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन की लिस्ट में उन्होंने अपना जगह बनाया था। ठीक उसी साल वॉक की टॉप 10 मोस्ट स्टाइलिश वुमेन की लिस्ट में उन्होंने अपना जगह बनाया था। चलिए देख लेते हैं उनकी फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो वो मैंगलोरियन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है फ्रेडरिक पिंटो, जो कि प्रोफेशनली बड़ौदा बैंक की सीनियर ब्रांच मैनेजर है। उनका माँ का नाम है सिल्विया पिंटो, जो प्रोफेशनली सेंट जॉन्स यूनिवर्सल स्कूल की प्रिंसिपल है। उनकी एक बहन है जिनका नाम है शेरोन पिंटो, जो कि प्रोफेशनली एनडीटीवी की न्यूज प्रोड्यूसर है। उनकी बेस्ट फ्रेंड है इंडियन अमेरिकन एक्टर सिद्धार्थ मालिया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो रोहन अंताव को डेट कर रही थी और साल 2007 में दोनों ने एंगेजमेंट भी किया था, लेकिन साल 2009 में दोनों ने एंगेजमेंट तोड़ दिया था। इसके बाद सुनने को आया था कि वो अपने को स्टार देव पाटिल को डेट कर रही है। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया, अनफॉर्चुनेटली दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने पोलो प्लेयर रॉनी बकार्डी को डेट किया था। साल 2019 में वो एडवेंचर फोटोग्राफर कोडी ट्रैन को डेट करना शुरू किया था। इसके बाद दोनों ने एंगेजमेंट भी की। हाल ही में फ्रीदा ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। चलिए जान लेते हैं उनकी सैलरी के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात करें तो हर एक साल वो 18.5 करोड़ कमाती है। उनका नेट वर्थ है 103 करोड़। चलिए देख लेते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास रॉल्स रॉयस फैंटम मॉडल की कार है जिसकी कीमत है 11 करोड़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।